हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज से हम टैली प्राइम का एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीरो से लेके और हीरो तक का सफर तय करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से हम जीरो से लेके हीरो बनाने वाले हैं, तो हमारे पास बने रहिए इस क्लास में। ये क्लास जो है ये कई डे बाय डे बटा हुआ है, इसमें हम लोग बेसिक से लेके और एडवांस तक की चीजों को जानने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोग का क्लास डे वन में। डे वन में आज हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम का इतिहास क्या है, या टैली का इतिहास क्या है, टैली प्राइम को कैसे ओपन करते हैं, टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनती है, और टैली प्राइम को क्लोज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ जानकारियां हैं टैली के बारे में। जैसे टैली सॉल्यूशंस जो कंपनी है, इसकी स्थापना 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने की थी। ये जो श्याम सुंदर गोयनका है, इनकी एक कंपनी होती थी जिसमें ये टेक्सटाइल कंपनियों के लिए कच्चे माल को प्रोवाइड करते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि मुझे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है जो हमारे काम को इजी कर सके, और ये बात उन्होंने अपने बेटे से शेयर की जो कि मैथ में पीएचडी कर चुके थे। फिर अपने बेटे के साथ उन्होंने मिल करके एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जो अकाउंटिंग के कार्य को कर सके, और इसकी शुरुआत में इन्होंने कंपनी जो बनाई उसका नाम दिया प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इस नाम से कंपनी की शुरुआत हुई। तो जो कंपनी है इसका नाम है प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, इसकी शुरुआत जो हुई थी। इसके बाद साल 1988 में टैली सॉल्यूशंस ने टैली 5.4 जारी किया था। यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था जिसने बाउचर एंट्री, लेजर और वित्तीय विवरण जैसे सुविधाएं दी गई थी। इसके बाद साल 2006 में टैली ने क्या किया, टैली 8.1 और टैली 9 जारी किया, ठीक है। फिर उसके बाद साल 2009 में टैली कंपनी ने टैली ईआरपी 9 को प्रारंभ किया। ऐसे सफर बीतता गया और 2000 में टैली प्राइम को शुरू किया गया, और 2022 में टैली प्राइम का एडिट लॉग पेश किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये है कुछ बेसिक सा इतिहास। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे टैली प्रोग्राम को ओपन करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ये हमारा टैली का पहला इंटरफेस है जब हमारा टैली प्रोग्राम ओपन होता है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइसेंस के बारे में पूछा जाएगा। लाइसेंस क्या होता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टैली प्राइम ईडीयू। तो ये जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये है टैली का एजुकेशनल वर्जन, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई करने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, और जब हमें किसी ऑफिस में काम करना होता है तो इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं, और रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इसके द्वारा हम लोग सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं, और जो टैली प्राइम आपको दिख रहा है ये एजुकेशनल से यहाँ पर प्रोफेशनल हो जाता है। तो एजुकेशनल और प्रोफेशनल में अगर अंतर जानना हो तो आपको बताना चाहेंगे कि एजुकेशनल और प्रोफेशनल में कोई भी अंतर नहीं है, बस कुछ चीजों को अंतर यहाँ पे बनाया गया है जिससे हम लोग इसको पढ़ सके, इसका यूज कंपनी में किसी कार्य के लिए ना कर सके। जो सबसे पहले यहाँ पे बनाया गया अंतर वो ये है कि जो टैली हमारा होता है, एजुकेशनल वर्जन होता है, इसमें प्रत्येक महीने की एक तारीख, दो तारीख और महीने की आखिरी तारीख, अगर वो 31 होता है तो हम उस तारीख को इसमें एंट्री कर सकते हैं, बाकी दिनों में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ा अंतर एजुकेशनल और प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल पढ़ने वाले हैं, हम लोग इससे सीखने वाले हैं, क्योंकि इसका ही यूज पढ़ाई के लिए किया जाता है। तो टैली ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा लाइसेंस का। तो यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका टैली प्रोग्राम जो होगा वो ओपन होगा। अगर आप टैली फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसमें आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अलग अलग कई ऑप्शन शो होंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बनाना सीखने वाले हैं। कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्रिएट कंपनी ऑप्शन पर आकर एंटर करते हैं। एंटर करने से क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें हम लोग डिटेल्स को भरते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी कंपनी बन जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कंपनी का नेम, ठीक है दोस्तों। कंपनी का नेम क्या होता है आपको पता ही है, जैसे हमने लिखा टाटा बस्ती, ये हमारी कंपनी का नेम है। तो जैसे इसको लिख के एंटर करते हैं
तो मेलिंग नेम में भी वही नेम आ जाता है। मेलिंग नेम क्या होता है, अगर कंपनी को किसी और नाम से भी जाना जा रहा है तो उसे हम लोग मेलिंग नेम में लिखते हैं। हमारे कंडीशन में नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम रहेगा। फिर आते हैं एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या है, तो कंपनी का एड्रेस देते हैं, ये कंपनी का एड्रेस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब आप एंटर करते हैं एड्रेस के बाद तो आपको एक ब्लैंक स्पेस और मिलता है जहां पर हम कंपनी का एड्रेस और बढ़ा करके लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है रीजन का, कि हमारा किस रीजन में कंट्री आती है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं चेंज कंट्री, यहाँ पे एंटर करेंगे, अलग अलग कंट्री का यहाँ पे नेम्स होगा। आई प्रेस करने से जितने भी आई वाले कंट्री होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंडिया को। फिर आपको स्टेट का लिस्ट शो होगा, जिसमें हम लोग यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यू के जितने भी स्टेट होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, हमारी कंपनी जो है वो उत्तर प्रदेश की है तो यहाँ पर हम लोग स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर पिन कोड, जो भी आपकी कंपनी का पिन कोड होगा उसे आपको देना होगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर जो भी होगा। फिर मोबाइल नंबर, कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा। दोस्तों ये जानकारी जो है जितना अधिक आप फिल करेंगे उतना ही अधिक डिटेल आपके वाउचर पर प्रिंट होके निकलेगा। जो भी जानकारी हम यहाँ पे फिल करते हैं, जब किसी पार्टी को हम लोग बिल बनाएंगे तो उसके बिल पर सब डिटेल जो यहाँ फिल किया गया है वो वहां प्रिंट होकर के निकलता है। इसलिए जरूरी होता है कि अधिक से अधिक डिटेल को भरा जाए। इस प्रकार फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट इत्यादि को भर के हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वेबसाइट के बाद देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों, तो देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है यहाँ पर लिख के आ रहा है 1 अप्रैल 2024। ये क्या है दोस्तों, ये है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ये जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसका एक वित्तीय वर्ष बनाया गया है कि कंपनी इस वर्ष इस डेट से अगले वर्ष किस डेट तक चलेगी, और ये जो पूरा ड्यूरेशन जो होता है उसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष। हमारे यहाँ किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलता है, और जो ड्यूरेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2024। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये वो डेट होता है जिस दिन हमारी कंपनी स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, कंपनी कभी भी शुरू होती है लेकिन वित्तीय वर्ष जो होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर आज हमारा डेट जो है वो है 1/11/2024, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में वो डेट दिया जाएगा जिस दिन आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है, और फाइनेंशियल ईयर में वो डेट होता है जिस ड्यूरेशन के बीच, जिस फाइनेंशियल ईयर के बीच आपकी कंपनी शुरू हो रही है। तो अभी जो हमारी कंपनी शुरू हो रही है उसका फाइनेंशियल है जो है वो है 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2025 तक लागू होगा। इस बीच कोई भी कंपनी शुरू होगी तो उसका बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 ही होगा। इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे आपको दिखाई देना होगा बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे रुपए का सिंबल शो हो रहा होगा, जो कि पता है आपको कि हमारे देश में ये सिंबल रुपए का यूज होता है, और उसका जो फॉर्मल नेम होता है उसको बोलते हैं INR। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज। दोस्तों बहुत सारी कंट्री है जहां पे रुपया चलता है, जैसे पाकिस्तान में चलता है रुपया और इंडिया में भी चलता है रुपया, लेकिन इंडिया का रुपया अलग है और पाकिस्तान का रुपया अलग है। जैसे इंडिया का अगर 1 रुपया हो तो पाकिस्तान के लगभग 3 रुपए से अधिक की वैल्यू रखता है। तो पाकिस्तान का रुपया अगर होता है तो वहां बोलते हैं PKR, यानी PK मतलब पाकिस्तान और R मतलब रुपया। ऐसे ही इंडिया का जो होता है उसे बोलते हैं INR। IN मतलब होता है इंडिया। IN जो होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और R जो होता है वो उस देश में चलने वाली करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे USD, USD में US होता है यूनाइटेड स्टेट और D होता है डॉलर। तो डॉलर कई देश में चलता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं USD की तो वो होता है यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ऐसे ही रुपया कई देश में चलता है, और यहाँ पे जो INR लिखा है इसका मतलब है इंडियन रुपीज। इसकी वैल्यू अलग अलग देश में अलग अलग होती है, यानी कि रुपए की वैल्यू अलग अलग देश में अलग अलग होती है, और INR देने से ये श्योर होता है कि जो रुपए की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन रुपीज। इसके बाद एंटर करने पर आपके सामने यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है।
जिसके लिए आप फिर से एंटर करते हैं या तो वाई की प्रेस करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाता है, और एक्सेप्ट होने के साथ में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन से होता है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स भी आते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल द फीचर्स एज पर योर कंपनी नीड, यानी कि आपको वो फीचर यहाँ पर एक्टिवेट करना है आपकी कंपनी के आवश्यकता के अनुसार, आप यहाँ पर फीचर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी कंपनी नई है और इसमें हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो बेसिक से सीखने वाले हैं और एडवांस तक सीखेंगे। तो बेसिक में अभी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको हम लोग नो करेंगे, ठीक है। इसको अभी नो करेंगे और एंटर करेंगे तो इस कंपनी में जीएसटी का फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जीएसटी जो है इससे हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक जानेंगे कि कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे आइटम बनाते हैं, कैसे परचेज सेल होता है, इसके बाद जीएसटी भी जानेंगे। तो अभी हमारा जो जीएसटी का ऑप्शन है उसे नो करेंगे और इसे आप एंटर एंटर मार के, अथवा शॉर्टकट है कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए, इसके द्वारा इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसे ही कंपनी आपकी एक्सेप्ट होती है तो देखिए आपके सामने ये टैली का होम पेज आता है, यानी हम लोग कह सकते हैं यहां से ही हम लोग अब कंपनी में अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे। अभी तक जो हमने किया ये था कंपनी बनाना, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर हमें कंपनी को बंद करना हो, ठीक है, कंपनी बंद करने मतलब होता है कि जो कंपनी हमारी है इसको हमें बंद करना है। बंद करने पर क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाटा बस्ती, ये यहां से हट जाएगा। तो कंपनी को बंद करने के लिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है कंपनी, ये एक मेन्यू है कंपनी का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के अलग अलग ऑप्शन होंगे, जैसे क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना, शट करना, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो इसी में आपको दिख रहा होगा शट, शट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ थ्री, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी कंपनी का नेम शो होगा, जिस पर एक बार पुनः एंटर करेंगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। और बंद होने के बाद फिर से हम वहां पे आ गए जहां से हमने कंपनी को बनाना शुरू किया था। और इसी प्रकार अगर हमें कंपनी को ओपन करना होगा तो जो नीचे आप लिस्ट देख रहे हैं यहां पर जो भी नाम दिखाई देगा वो कंपनी है जो इस टैली सॉफ्टवेयर में बनाए गए हैं। तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसका नेम यहाँ वन बाय वन आएगा। इसमें से जो भी कंपनी आपको ओपन करना होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उस पर एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपका टैली जो है वो क्लिक करेंगे तो जो आपकी कंपनी है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। तो कंपनी को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनी हमारा यहाँ मेन्यू होता है इसके शट पर क्लिक करते हैं और कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। और इसी प्रकार जो हमें कंपनी ओपन करना होता है तो जो लिस्ट है यहाँ पर कंपनी का उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं या तो माउस से उस पर एक बार क्लिक कर देते हैं, इससे हमारा कंपनी ओपन हो जाता है। तो ये हुआ कंपनी को ओपन करना, कंपनी को क्लोज करना और कंपनी को क्रिएट करना। इसी प्रकार अगर हमें अपने टैली प्राइम को बंद करना है तो सबसे पहला काम अपनी कंपनी को बंद करिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ जो क्रॉस का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको टैली प्राइम बंद करने से पहले अपनी कंपनी को बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि कभी कभी हम लोग कंपनी को बंद नहीं करते हैं और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो जाए और डेटा आपके लॉस हो जाए। तो ऐसी समस्या ना हो उससे बचने के लिए पहले कंपनी को क्लोज करिए और फिर टैली प्रोग्राम को क्लोज करिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर टैली हमारी जो कंपनी है वो बंद होने के लिए तैयार है क्योंकि कंपनी हमारी बंद हो चुकी है। और फिर हम यहाँ इस लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज का ऑप्शन हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो टैली हमारा बंद होने के लिए यहाँ पे एक बार कंफर्म करेगा और इस पे हम क्लिक कर देंगे तो कीबोर्ड से एंटर या वाई की प्रेस करेंगे, टैली हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि इससे किसी को भी जानकारी मिल सकती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए। अगर कोई भी जानकारी आपको ऐसी लगती है कि इसे और डिटेल में जानना है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में और विशेष प्रकार से बताया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।